सर ये एक महिला ने, बैंक ऑफ बड़ौदा की महिला है, उसने कंप्लेन की है कि 18 लाख रुपए उसके लॉकर में रखे थे और वो दीमक खा गई है वो 18 लाख रुपए को। तो सर क्या मामला है आपके? ये के द्वारा सिर्फ इतना ही अभी तक पता चल पाया है कि जैसे वो महिला के काफी पैसे जो है बैंक में रखे गए थे जिनको दीमक ने खा लिया, और यही मैटर मुझे अभी तक पता चल पाया है। लॉकर में रखे थे? हाँ, लॉकर में ही थे। तो सर अभी रिजनेबल स्टेप्स जो बैंक के द्वारा लिए गए वो जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। और रही बात इसकी, जो लॉकर पॉलिसी है जनरली जो बैंक्स में आमतौर पर है वो यही है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलमिटी में जो है बैंकर्स जो है उसमें कंपनसेशन के लिए मतलब बाध्य है उसको देने के लिए, अदरवाइज ये एक तरीके से एक्सीडेंटल इंसिडेंट है। तो इसके लिए जहाँ तक बैंक्स का सवाल है तो इस तरह का मेरे संज्ञान में इस तरह का भी कोई नहीं है, तो इस वजह से अभी जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है ऐसा मेरी नॉलेज में है। मैं बैंक की तरफ से जांच चल रही है, आपको संज्ञान में आया इस तरीके से? हाँ, ऐसा बैंकर्स का मेरा कुछ पता चला है मुझे कि भाई बैंकर्स उसमें जो है जांच कर रहे हैं कि आखिर, हालांकि बैंकर्स के द्वारा वहाँ पर दीमक जो जैसे जर्माइट और ये सब टर्माइट का भी छिड़काव किया जाता है समय समय पर, ऐसा भी किया गया, लेकिन अब इसके अलावा ये मैटर जो है अभी जांच का विषय है जो जिसमें जांच चल रही है।